सत श्री अकाल, नमस्ते फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। और सब केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुट साहब सब दर्शन करने जा रहे हैं क्योंकि रास्ते खुले हैं, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, आप भी जानते हो। तो सब एक ही डिमांड कर रहे हैं कि भाई वाटर प्रूफ हो और गर्म हो कि वहाँ पे हमें दिक्कत ना आए। तो कुछ आर्टिकल्स मैंने निकाले, ये आर्मी भी पहन सकते हो, सिविल भी पहन सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा लाइट वेट आर्टिकल्स है, ये आपने पहले भी देखा होगा, बैकपैक जैकेट है, जगह देख सकते हो, बहुत लुक में अच्छी है। बाजू का इंडियन फ्लैग है, सामने लेदर जिप के लेदर वाली है। पहले तो इसकी लुक दिखाता हूँ आपको पहन के, ये कैसी लगती है। वो लाइट वेट में बनी है, ठीक है, पहनने में बड़ी कंफर्ट है। ये सिर्फ ज़्यादातर बन रही है जो वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि रीज़न क्या, वहाँ पे बारिश का बहुत मौसम है कि भाई बंदा भीग जाता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक इसमें लगा हुआ है। ये एल साइज है, एल साइज, अब देखो कोई कहते हैं कि एल साइज छोटा ना हो हमें, बट ये मेरी 5 फुट 10 इंच हाइट है, 9 इंच सॉरी। तो मेरे को आप एग्जांपल लगा सकते हो ये कहाँ तक आ रहा है, ये क्योंकि मेरे को नीचे तक जा रहा है, इसकी 28 प्लस इसकी लेंथ है, ठीक है। ये आप पीस की लुक देख सकते हो, पूरा बैठा हुआ कॉलर है। और इसका सेकेंड पार्ट ये, हाँ जैसे कि मान लो नहीं पहननी, गंदी हो जाती है, ऊपर से ज़्यादा कुछ लग जाए दस्ट वस्ट, तो सेकंड ऑप्शन इसका ब्लैक है। पीस की लुक देख सकते हो, अंदर से बड़ी शाइनी फुल, एक क्रेज दे रही है, प्रिंस कॉलर टाइप इसका दे रही है। पीस को बहुत लाइट वुड में हमने बनाया है, और इसकी देखो स्टिच क्वालिटी हमारी यही गारंटी होती है, क्योंकि देखो हमारे जो लेबर है वो बहुत बारीकी से काम करते हैं, हम इसको बहुत बारीकी से बनवाते हैं कि 2 इंच की स्टिच है तो 2 इंच पे ही सारी निशान लगा लगा के बनाओ, फिर पीस में लुक अच्छी आए, ठीक है। वो तो पीस को आप देख सकते हो, वॉर्म पीस है, बिल्कुल लाइट वेट पीस बनाया हमने। फर्स्ट तो इसकी ये लुक होगी, अब इसका वाटर टेस्टिंग आपको करवाते हैं, जो सब कहते हैं कि हाँ इसमें पानी तो नहीं जाएगा, तो ये भी बोलता 100% तब अगर बोलूँगा नहीं, बट हाँ इतना है कि इसमें पानी नहीं जा सकता। उसकी पैकिंग बड़ी अच्छी है, आपको पैकिंग इसमें क्या बैग की तरह है, छोटा सा बैग है इसमें, उसमें आपको पैक रख के मिलेगी, उसी में बाद में आपने थैले में रख देंगे। लो जी हम वाटर टेस्टिंग इसकी कर देते हैं, पहले तो जिप्पे बंद करो, जिप्पे का भी वाटर प्रूफ है ये, हम आपको दिखा सकते हैं। ये लो भाई, ये पानी हमने डालना स्टार्ट करा, अभी आप देख सकते हैं। एक सेकंड चेक करें, पानी जा रहा है अंदर, देखो पानी यहीं पे तैरेगा, ये जिप्पो के अंदर भी नहीं जा रहा, क्योंकि क्या बात होती है, जिप जो वाटरप्रूफ नहीं होगी तो कई बार पानी जिप्पो के अंदर से जाना लग जाएगा, तो अंदर वाली जो इनर वेयर क्या होगा वो अपना क्या कहते हैं गीला हो जाएगा हमें, इसी वजह से देखो जिप की यहाँ है ना, ये भी लेदर कोटिंग है जी, हमने कोई पैसे रखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे यहाँ से पानी जाने की संभावना होती है कि पानी अंदर चला जाएगा, तो पैसे उसे या कोई सामान जरूरी रखा, फ़ोन गीला हो जाएगा, तो नहीं, इस जैकेट के अंदर कोई चांसेस नहीं है। अब देखो इतनी देर में पानी रख चुका हूँ इसके अंदर, तो ये बारिश भी पड़ेगी, आप पहली बात तो बारिश में खड़े तो होगे नहीं, ये देखो वाटर रिफ्लेक्टेड है, पानी पड़ेगा तो ये नीचे ऐसे तैरेगा, देखो ये सारा तैर रहा है ना, ये बुलबुले से बन रही है, अंदर नहीं घुस रहा, पानी इसका तैरेगा। दूसरी बात, इसको जहाँ मर्जी मैं फोल्ड कर दूँ, ये देखो ये इधर जा रहा है, ये चिप के ऊपर रख दिया, चिप के अंदर भी नहीं जाएगा, ये हमने फिर इधर को घुसेड़ दिया, ठीक है। ये तो होगी इसकी पीस की क्वालिटी, लुक आपको मैंने दिखा दी है, अब मुझे पानी फेंकना थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, मेरे को पानी को फेंक दे, अब मैं आपको इसको वापस ला के चेक करवाता हूँ, जब तक एक सेकेंड। पीस पानी की बूंद भी यहाँ पे नहीं होगी, बिल्कुल पीस साफ सुथरा है। सो जिप के ऊपर देखो हल्की हल्की शाइन मार रही है पानी की, बट पानी इसके अंदर भी नहीं गया। अब इसको आपको फिर से पहन के दिखाता हूँ, पानी गिर गया, फिर पहन के दिखाता हूँ आपको कि पीस पहनने के बाद सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। पानी की हल्की सी बूंद भी यहाँ पे नहीं है, ऊपर हल्का का गीलापन है, बट इसके अंदर पानी नहीं जा सकता। दूसरी बात, यहाँ पे भी 70% वाटर प्रूफ है, या आप इसको उल्टा करके पहनते हो तो 70% इसकी मैग्नेटिक देता हूँ, और उसमें फाइबर शीट डली हुई है, रुई वाली एक शीट होती है, उसको हमने
फ्लैट करके डाल देते हैं, जिससे सिलाई करने में वो ज़्यादा बल्की बल्की भी नहीं लगता, क्योंकि एक हम जो बुजुर्ग चाहते हैं उनको ज़्यादा बल्की बल्की पसंद नहीं लगते कि भाई ज़्यादा फ्लफी फ्लफी भी ना हो। ये रुई होती माइक्रो है, फ्लफी होती है, बट हम इसको जब डलवाते हैं तो उसको दोनों को प्रेस करके फिर सिलाई कराते हैं और एक पेपर रखवा देते हैं, जिससे पानी जाने का भी डर खत्म हो जाता है। क्योंकि रीज़न क्या है, स्टिच के अंदर भी वो पेपर लगा हुआ है, कहीं स्टिच के अंदर से पानी जाने लग जाता है क्योंकि छेद होने के बाद, बट इसमें वो साधन नहीं है। बाकी आप देख सकते हो इसकी लुक, शोल्डर पे एल्बो पैच है जिससे और ज़्यादा अच्छी लुक आ रही है, वो प्यारा लग रहा है। इसकी कंट्रास्ट ब्लैक के साथ दिया हुआ है, ब्लैक के साथ ये अच्छा लग रहा है। पॉकेट के अंदर ये देखो नीचे डाउन तक पकड़ जाएगी, ये नहीं कि भी पॉकेट भी हमने छोटी बनाई, बिल्कुल नीचे तक डाउन तक पकड़ जाएगी। थे इसमें क्या कहते हैं, हम कुछ सामान रख सकते, बट हाँ कभी भी आप सोचो कि ये 100% मैं वाटरप्रूफ दे रहा हूँ, मैं कभी नहीं आपको बोलूँगा कि मैं 100% देता हूँ। मेरी तरफ से ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटरप्रूफ है, जिससे आप लोग बंदा जब बारिश में एकदम से बारिश आ जाए तो पानी पड़ पड़ के साइड में हो जाए। तो जिन्होंने इसका ऑर्डर लिखाना है, थोड़ा बल्क में ऑर्डर लिखाएं, जैसे ग्रुप में जा रहे हो तो सब अपना ग्रुप बना के ऑर्डर लिखाएं कि आपको मैं दे पाऊँ। इसका स्टॉक मेरे पास अभी पड़ा है 200-250 पीस पड़ा होगा। जी आपने किसी ने ऑर्डर लिखाना है लिखा सकता है, अभी इसका आगे नेक्स्ट फैब्रिक नहीं आएगा, तो फैब्रिक लास्ट था मेरे पास जो मैंने बना दिया है उसमें से भी। ये क्योंकि ये इनके लिए ही बनाया है, श्रद्धालुओं के लिए कि वो जा रहे हैं तो उनको ऐसी दूँ जो वॉर्म भी हो वाटरप्रूफ भी हो। सो जिन्होंने लेना हो कॉन्टैक्ट करें, मैं व्हाट्सअप नंबर अपना डाल दूँगा। एंड सबके लिए मैं यही शुभकामना करूँगा, जो सब जा रहे हैं श्रद्धालु या हमारे आर्मी वाले वहाँ पे भाई हैं, उनको हर विशेष पूरी हों, क्योंकि बहुत मेहनत से बंदा जाता है कि वहाँ पे दर्शन करने, किस्मत वालों को ही दर्शन मिलते हैं। सो ख्याल रखें, नमस्ते एंड सत श्री अकाल।